तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है और किस प्रकार की इसकी बनावट है और इसमें कितनी परतें हैं, इन चीजों का सभी का आज अपन अध्ययन करेंगे। किन किन पदार्थों से बनी है पृथ्वी के आंतरिक भाग, किन पदार्थों से बना हुआ है बाहरी भाग, किन पदार्थों से बना हुआ है। तो अब हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, आपको पता ही आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, और ग्रह ग्रह अब अपनी पृथ्वी की स्थिति अलग है। इसमें जैसे कोई भी मनुष्य दूर तक आसमान में देख सकता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर देखना बहुत मुश्किल है। तो कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा उनका पता लगाया जाता है। अब अपन को यह है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किन पद किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार की इसकी आकृति है। अब यह समझ लो पृथ्वी, अब पृथ्वी तक अंदर तक जाना तो संभव है नहीं, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ही समझ लो आप 6,317 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या, तो इतने अंदर जाना संभव नहीं है। तो इतने अंदर जाना तक संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग मनुष्य आसमान में दूर तक देख सकता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर देख पाना भी मुश्किल है। तो वो विभिन्न स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, जिनसे कि वो अंदर की स्थिति का पता लगाता है कि वो किस प्रकार से बनी हुई हो। वो स्रोत कौन कौन से हैं एक बार आप लिख लो, वो पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी के मुख्य स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी के मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं आप लिख लो। प्राकृतिक स्रोत हैं वो, एक तो भूकंपीय तरंग, दूसरा है ज्वालामुखी। ये जो प्राकृतिक घटनाएं है ना, इनके द्वारा ही अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करते हैं। कि ज्वालामुखी के द्वारा जो मलबा निकलता है उसका अध्ययन करके भी अपन, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, और भूकंपीय तरंगें जब चलती हैं तो इनकी क्या होती है, इनका स्वभाव ये तीन प्रकार की होती है, भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती है, वो होती है पी एस और एल। ये अभी हमारे इतना काम का नहीं है, पर एक नाम के लिए जानकारी के लिए लो। पी तरंगें ठोस और तरल दोनों पदार्थों में से चल सकती हैं, एस तरंगें सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थों में से चल सकती हैं, और एल तरंगें सिर्फ और सिर्फ द्रव्य के ऊपरी भाग पे चलती हैं। तो इनके द्वारा अपन उल्का पिंड, इनके अलावा तीसरा है उल्का पिंड, उल्का पिंड जब गिरते हैं तो उनसे पृथ्वी में अत्यधिक गहरा गड्ढा हो जाता है, तो उससे भी उनकी परतों का अपन अध्ययन करके पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से बना हुआ है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को यह देखो, आपने देखा है पृथ्वी का आंतरिक भाग, यह एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंड परतों में बनी हुई है। आपने प्याज देखे होगी ना अपने घर में, उसके अलग अलग वो परतें ऐसी होती है ना, इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है ना, वो अलग अलग प्रकार से फिर उसको अपन एक एक करके अलग अलग काम में लेते हैं। तो इसी प्रकार से यह पृथ्वी भी अनेक प्रकार की परतों से बनी हुई है। उसके आगे है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को, अब ये पृथ्वी की सतह है जैसे ये समझ लो बोल पृथ्वी, अब ये ऊपरी भाग, एक बार आप यूं समझ लो इसको कि ये पृथ्वी है, इसमें इसकी त्रिज्या ये जरूर ध्यान रखना कि पृथ्वी को यहाँ से जीरो से यहाँ तक पहुँचने में 6,371 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, केंद्र तक जाने में, ये केंद्र है ठीक है, यह केंद्र है पृथ्वी का, समझना। अब ये समझ लो इसकी तीन
यह पृथ्वी इसकी ऊपरी इसको क्या बोलते हैं पर्वत। Okay.
किलोमीटर की गहराई पर 7900 किलोमीटर की गहराई तक यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी, देखो इसकी पूरी त्रिज्या की लंबाई कितनी बताई थी अपन ने, 6371 किलोमीटर। और यह कुछ यह तो यूं समझ लो आप 10 से 15 किलोमीटर तक की पाई जाती है। यह तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% 1% भाग में तो यह पाई जाती है, 1% भाग में तो, और 85% जैसे कोई चीज 100% है, कोई चीज 100% है तो उसमें से 1% तो पाई जाएगी भूपर पट्टी, तो पाई जाएगी 1%, मेंटल पाया जाएगा 84%, बचा कितना क्रोड पाया जाएगा 15%। ठीक है, इतने भाग पर यह मिलते हैं 85 या 84। ठीक है, तो यह अब यहाँ का 1% का मतलब ये पूरी पृथ्वी का, अब इसका 1% कितना होगा, 71 सेंटीमीटर हो जाएगी, इतना 6371 सेंटीमीटर। अब इतना तो ये बात है, अब 2900 किलोमीटर की गहराई, 2900 किलोमीटर की गहराई तक यह मेंटल पाई जाती है, और 2900 से 6371 किलोमीटर तक के लिए क्रोड पाया जाता है। आ गए आपके समझ में ये तीन पढ़ते हैं। अब यह किससे बनी हुई है, समझ में नहीं आई आज के लिए इतना ही, और आगे अपन कल पढ़ेंगे।